तो आप पहली बार देखोगे स्ट्रिंग हम इस ऑयल कंटेनर में डालेंगे। तो गाइस लगने के बाद में लुक देखो भाई, आप एक बार कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी एक्टिवा के ऊपर होने वाली है, क्योंकि एक्टिवा वाले भाई बहुत इंतजार करते हैं कि कब हमारी बारी आएगी एक्टिवा के ऊपर, क्योंकि एक्टिवा की मॉडिफिकेशन ऐसी है रुकती नहीं है। और आप लोगों को पता है कि मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता हूँ इन प्यारी प्यारी स्कूटियों के लिए। जो भी होता है गाइस सारी स्कूटियों में लग जाता है और सभी बाइकों के अंदर ऑलमोस्ट चीजें लग जाती है। तो आज की जो वीडियो है हमारी होने वाली है हाइड्रोलिक लीवर्स ऑयल कंटेनर के ऊपर। तो गाइस जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, मेरे पास में ये बॉक्स है छोटा सा प्यारा सा BSDDP का, और उसके ऊपर आप देख सकते हो कितना सब कुछ इसके ऊपर मेंशन है। चाइनीज में भी लिखा हुआ है और आप लोगों को इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये है गाइस हमारा ऑयल कंटेनर हाइड्रोलिक क्लच एंड ब्रेक का। तो इसके अंदर आप लोगों को पता है कि ब्रेम्बो होता है, उसमें यूज होने वाला ये ऑयल कंटेनर है जिसको हम लगाने वाले हैं अपनी होंडा एक्टिवा 6Z के अंदर। ये आप किसी भी मोटरसाइकिल या स्कूटी किसी भी चीज में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। तो आप लोगों को इसको सबसे पहले अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि ये अनबॉक्स करने के बाद में इसकी क्वालिटी है, किस तरीके से क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, नट बोल्ट की क्वालिटी कैसी है, इसकी पाइप की क्वालिटी कैसी है, और जो मेन ऑयल कंटेनर है उसकी क्वालिटी आप लोगों को किस तरीके से देखने के लिए मिलती है। सो गाइस ये हमारा BSDDP का ऑयल कंटेनर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इस तरीके की पैकिंग में आता है रेड कलर की प्यारा सा। सबसे पहले आप लोगों को एक पाइप देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर से इसका जो ऑयल वगैरह है वो जाता है। उसी के साथ में ऑयल कंटेनर है और इसी के अंदर आप लोगों को क्लैंप स्क्रूज वगैरह इसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ब्रैकेट नट बोल्ट्स की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी में देखने के लिए मिल जाता है। तो इसको रखते हैं साइड में। सो ये मेन हमारा ऑयल कंटेनर है। तो जैसे इसको बाहर निकालते हैं, देखो गाइस क्वालिटी देखो इसकी, काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी में देखने के लिए मिलता है आप लोगों को। ये कंटेनर है कुछ इस तरीके का। तो अब क्या करेंगे इसको लगाने के लिए, इसका ब्रैकेट हमारा नीचे की तरफ लग जाएगा, हमारा ब्रैकेट नीचे की तरफ लग जाएगा और जितने भी हमारे पाइप्स वगैरह होंगे इसमें लग जाएगा। बाकी फिटिंग हम अपनी एक्टिवा के ऊपर करके दिखाते हैं। दो स्क्रू खोलेंगे ऊपर के और इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल वगैरह, कुछ भी आप इसके अंदर डाल देना। तो जैसे कि आप लोग ये मिरर देख रहे हो ना, इसके अंदर कोई और जगह नहीं है, मिरर पे लगाएंगे हम इसका सीधा ब्रैकेट। तो ये ऊपर का 12 mm का नट है, ये नट हम खोलने के बाद में हमारा मिरर है पूरा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद में ब्रैकेट रखेंगे और उसका ऑयल कंटेनर हम सीधा यहाँ लगा देंगे। काफी ज्यादा फैंटेस्टिक लुक इसके अंदर से आने वाला है। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैंने मिरर निकाल दिया, ये इसका ब्रैकेट है। ब्रैकेट को हमने इस पर रखना है और ऐसे ही हमने इसी पे टाइट कर देना है। सो यहाँ पे टाइट होने के बाद में ऊपर वाला जो नट है आप उसको वापस उसकी जगह पे टाइट कर दीजिए। सो ब्रैकेट लगने के बाद में बारी आती है ऑयल कंटेनर को लगाने के लिए, जिससे के लिए हमारे को ये स्क्रू खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद में ये हमारा इसके ऊपर आ जाएगा और इसके बाद में तो ये हमारी ऑयल कंटेनर इसके ऊपर आ जाएगा। इसके बाद में हम इसके अंदर से जो पाइप वगैरह लेके इसके अंदर लगा देंगे। सो लगाने से पहले आप इसके अंदर पाइप है इसका इंस्टॉल कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको आसानी होगी इसका पाइप लगाने में। तो इसका ब्रैकेट वगैरह भी लगा देता हूँ जो क्लैंप है नीचे का। तो इसी के साथ में ये स्क्रू किट वगैरह आई थी, तो हम इसके अंदर वॉशर लेकर वॉशर इस तरीके से डाल देंगे। अब ये देखोगा इसके अंदर ये बड़ा वाला है, पहले इसके साथ में छोटा वाला था, छोटा वाला इसने नहीं लगाया। जब आप इसको लगाओगे इसके अंदर वो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा आपका ये फिट नहीं हो पाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब इसके बाद में ये हमारा नीचे से इसको हम टाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखो हमारा यहाँ पे इजी इंस्टॉल हो जाएगा। तो 8 mm के सॉकेट से हम इसको इजी टाइट कर देंगे, तो नट इसके नीचे लगा के कुछ इस तरीके से। सो देख सकते हैं गाइस ये हमारा फिट हो चुका है। अब ये जो पाइप बचता है ना, इस पाइप को आप आराम से इसके अंदर डाल दो। सो अब बारी आती है इसके अंदर आप कुछ भी डाल देना, जैसे कि ऑयल डाल दो, पानी डाल दो। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसको नट को बंद करना है। बंद करने के लिए जो आपको इसके साथ में मिला था इसमें लगा दो, बस कुछ इस तरीके से। सो आप पहली बार देखोगे स्ट्रिंग हम इस ऑयल कंटेनर में डालेंगे और डालने के बाद में बिल्कुल आप लोगों को एहसास होगा इसके अंदर जेन्युइन ऑयल है वो डला हुआ है। तो आप डालते हैं इसके अंदर। तो डालने से पहले इसके ऊपर के दो स्क्रू हैं वो खोल लेना, जिससे क्या होगा हमारी पूरी कैप बाहर आ जाएगा उसके अंदर ऑयल डालने के बाद में। जैसे उसके बाद में आप लोगों को वैसे ही लगा देना जैसे आप लोगों ने इसको खोला था। तो भाई जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर हमने स्ट्रिंग डाल दी, ये देखो कैसे बुलबुले उठ रहे हैं। अब इसको कैप को लगा देते हैं और हमारे ऑयल कंटेनर हमारा रेडी। सो गाइस लगने के बाद में लुक देखो भाई, आप एक बार कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि इसके अंदर फेक ऑयल कंटेनर लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जेन्युइन लगा हुआ है। अगर आपका मन करे ना इसका स्ट्रिंग पीने का, यहाँ पर हमारा पाइप है, तो पाइप को बाहर निकालो और ये लगा लो मुँह से। वाह भाई वाह, मजेदार। आप देख पा रहे हो इसके अंदर स्ट्रिंग हमारी आ चुकी है, किस तरीके से लग रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जेन्युइन हमारा इसके अंदर ऑयल है। क्या आप लोगों ने देखा होगा ऑयल
ऑयल का जो कलर है कुछ इस तरीके का ही होता है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा ऑयल की जो बॉटल आती है ब्लू वाली, तो ब्लू वाली के अंदर इस तरीके का ही होता है। मैंने सोचा चलो इसके अंदर पानी क्या डालो, इसके अंदर स्ट्रिंग डालते, क्योंकि ये दिखना हमारा फिर भी फेक ही है कुछ हमारा। ये इस तरीके से देखने के लिए आप लोगों को मिलता है। अगर आप लोगों को ये ऑर्डर करना है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट से इसको ऑर्डर कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। सो अगर आप लोगों का इसका जो लुक है पीछे से दिखाऊं तो कितना बेहतरीन इसके अंदर से लुक आ रहा है। तो ये देखो साइड से कुछ इस तरीके से हमारी स्कूटी का हैंडल इस तरीके से हो जाता है। तो देखो भाई कितना ज्यादा प्यारा जो इसके अंदर से लुक है आप लोगों की स्कूटी में देगा ही, अगर आप ये बाइक में लगा लोगे तब भी इसमें इस तरीके से देगा। तो भाई वीडियो बनाते बनाते आ जाते हैं पसीने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों के भाई की मेहनत अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को कर देना अभी के अभी लाइक। अगर किसी को ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आप लोगों को पता है आप लोगों ने करना क्या है, बस ऐसी ही हम वीडियो अपने चैनल पर डालते रहते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ में जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय।